आसमा आप देख रही थी कि पीरियोडिक टेबल उन्होंने सेट कर दिया और मैं और आप सोच रही थी कि ये है क्या और ये हो क्या रहा है. हमें तो शायद उसके जो 9 एलिमेंट्स हैं वो भी याद ना हो और 9 साल की उस बच्ची ने वो करीबन 110 या 111 इतने मुश्किल जिसके अंदर यूरेनियम और अजीब अजीब से उनके नाम होते हैं वो सब सेट कर लिया. एंड शी इज ओनली 9 ईयर्स ओल्ड. हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे ये किस तरह से मुमकिन हुआ. नदालिया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. क्या हाल है आप, ठीक हैं? Assalamualaikum. Good. It's good to be here. नतालिया सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस कदर बड़ा एजाज और इतनी बड़ी अचीवमेंट जो इससे पहले एक पीएचडी डॉक्टर के पास थी आपने उसको सिर्फ 9 साल की उम्र में कर लिया. कैसे कैसे मुमकिन हुआ ये? पिछले साल पेंडेमिक के शुरू होते हुए वक्त में हम सब बंद हुए थे तो मामा ने एक 40-day चैलेंज लगा दिया पीरियोडिक टेबल को सीखने में और रिकॉर्ड तोड़ने में. उसके बाद जुलाई 2020 में मैंने अपना रिकॉर्ड 7 सेकंड से तोड़ दिया था वरना मैं टाइम से खुश नहीं थी. तो फिर मैंने नवंबर 2020 में 2 मिनट्स और 27 सेकंड्स में रिकॉर्ड तोड़ दिया था मेकिंग मी द फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट टू डू सो. रिकॉर्ड्स बने थे तोड़ने के लिए वरना सो फार आई एम अनबीटन. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा नतालिया, हम ना आपकी बहुत सारी पिक्चर्स भी चला रहे हैं, वीडियोस भी चला रहे हैं, बट आई एम रियली लविंग दैट पिक्चर ऑफ योर्स इन विच यू आर होल्डिंग योर सर्टिफिकेट. किसी को इस सर्टिफिकेट का आप देना चाहेंगी कि जी क्रेडिट उसको जाता है? अभी आपने अपनी वालिदा का जिक्र किया जिन्होंने आपको ये 40-day चैलेंज जो है ये लगा कर दिया था कोविड के इस एरा में. क्या पेरेंट्स में किसी और को, वालिद को भी क्रेडिट देना चाहती हैं, कोई और जिसने आपकी हेल्प की हो, या सारा का सारा क्रेडिट मामा को जाता है? नतालिया सारा क्रेडिट मामा और बाबा दोनों को जाता है. wow. मामा ने मेरी कोचिंग की थी वरना बाबा मुझे बचाते थे. बाबा बचाते थे. अच्छा नतालिया, क्योंकि केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर एलिमेंट है तो क्या केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या कोई फेवरेट मतलब एलिमेंट्स के साथ कोई दिलचस्पी है, केमिस्ट्री के साथ दिलचस्पी है? किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट ना हो तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल काम तो नहीं हो सकता. मुझे सारे साइंसेस के सब्जेक्ट्स पसंद है और मैं कह सकती हूँ मेरा फेवरेट एलिमेंट हो सकता है नाइट्रोजन. अच्छा नतालिया, ये बताएं कि अब ये तो आपने 9 साल की उम्र में ये अचीव कर लिया तो अब अगला गोल तो फिर बहुत हाई से सेट करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा कि अब इससे आगे क्या करना है, तो क्या प्लान है, क्या करना है इससे आगे? मेरा प्लान फ्यूचर में है स्टेम एजुकेशन का प्रसू करने के लिए और जानवरों को बचाना जिस तरह मैं कर सकती हूँ मैं रिसर्च में एंड अप शायद करूँगी. अच्छा नतालिया, आपसे बात हो रही है, ये खबर हम अपने देखने वालों से शेयर कर रहे हैं, हम तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं. आप कैसा फील कर रही हैं? कोई मामा बाबा से फरमाइश की इसके बाद कि जी इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है तो अब मुझे ये चीज़ चाहिए? होते हैं ना बहुत सारी फरमाइशें हो रही होती हैं अम्मा अब्बा से घर के अंदर. मेरा आई रेस्क्यूड अ कैट. मुझे जानवरों को रेस्क्यू करना बहुत शौक है. मेरे सारे पेट्स रेस्क्यूज हैं जो हमने बचाए हैं बहुत बुरे जगहों से. अच्छा वाह नतालिया, आप तो एक और बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो भी आप शेयर कर रही हैं. यानी ऐसे जानवर जो लोगों ने घरों में नहीं रखे होते हैं, एज अ पेट नहीं रखे हुए होते हैं, बाहर होते हैं, चाहे वो डॉग्स हों चाहे वो कैट्स हों, मुश्किल में फंसे हुए हों, आप वहाँ जाती हैं, उनको रेस्क्यू करती हैं, घर पर रखती हैं, फिर वॉट नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या होता है इनके साथ? हम उनको बस पेट से रखते हैं, वो फैमिली मेंबर्स ही बन जाते हैं. They're stuck with us for life. Wow, that's really great, Natalia. बहुत अच्छा. एक और मेरे ख्याल में शायद इन्होंने हमें चीज़ बताई है जो नतालिया करिए, मतलब सारी अच्छी चीज़ें जो है ना नतालिया ने सोचा कि नतालिया नहीं कर लेनी है. बिल्कुल. और नतालिया मुझे हैरत हो रही है कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये कहाँ से ये ख्याल आया कि जानवरों के साथ इतनी मोहब्बत और फिर एक तरफ साइंस को मैंने परसू करना है, साइंस के अंदर आगे जाना है और दूसरी जानब जो है ना मैंने इस तरह के काम करने हैं और इनको मेरी मदद की ज़रूरत होगी, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? जब मैं छोटी थी मुझे जानवरों का शौक आया था. मैं 2 साल की होती थी, मैं कुत्तों के साथ खेल रही होती थी और मुझे साइंसेस का शौक आया था जब मैं 4 साल की थी. मुझे एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक था, मैं घर पे साइंसेस करती थी, मम्मा पापा मेरे लिए किट्स लेके आते थे ताकि मैं घर पे कर लूँ. अच्छा नतालिया, क्या यही आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं या इसके अलावा मतलब फ़न टाइम के लिए कुछ और भी करती हैं, कोई और गेम्स भी खेलती हैं या सिर्फ यही आपका फ़न भी है और यही पढ़ाई भी है?
फन टाइम्स के लिए मेरे पास बहुत चीज़ें हैं. जानवरों के साथ खेलती हूँ मैं, स्विमिंग करती हूँ, गेमिंग, आई लाइक टू ड्रॉ एंड पेंट, और बैडमिंटन, या थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन टाइम में एक गुड सीज़न देख लेती हूँ. हॉर्स राइडिंग भी होता है. सीज़न कौन सा फेवरेट है आपका? मेरा फेवरेट शो होगा फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, अच्छा तो नतालिया, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? लाइक बेशक कोविड के दिन हैं, स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी मसरूफियात हम खुद से ढूंढ रहे हैं कि चलें कहीं तो बिजी रहें, लेकिन इसके बावजूद ये जो कारनामा आपने सर अंजाम दिया, इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाना कोई छोटी बात नहीं है, भारतीय प्रोफेसर का रिकॉर्ड तोड़ना भी कोई छोटी बात नहीं है, कहाँ उनकी उम्र, कहाँ आप छोटी नन्नी मुन्नी सी क्यूट सी बच्ची. तो मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरह से आप पॉसिबल कर पाती हैं, पढ़ाई को भी टाइम दे रही होती हैं या सिर्फ इन चीज़ों तक हैं नतालिया अभी आप? पिछले साल से सबके स्केड्यूल्स चेंज हुए हुए हैं, लर्निंग प्रोसेस होता है, वरना मैं स्केड्यूल फॉलो नहीं करती, वरना आई डू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. अच्छा, रोज़ाना कुछ नया सीख रही होते हैं नतालिया. आपके और बहन भाई हैं आप इसी तरह से, आपकी तरह से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा लायक हैं, इन चीज़ों में हैं, कुछ शेयर कीजिएगा हमसे प्लीज़. मेरे पास कोई बहन भाई नहीं है, वरना मेरे दोस्त मुझे तंग करते थे जितना बहन भाई करेंगे. अच्छा, बहन भाई नहीं है लेकिन दोस्त भी तो बहन भाई होते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि अच्छा आपको तंग भी करते हैं, सही है. नतालिया, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि आपको इस वक्त बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, सारा दिन मोबाइल फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, और अब तो बहाना ये भी आ गया है कि जी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हम फ़ोन के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. मुझे खुद पता है मेरे बच्चे मुझे यही कहते हैं, लेकिन वो होमवर्क नहीं कर रहे होते, वो गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं. कुछ आप मशवरा देना चाहेंगी? वैसे तो आप बहुत छोटी सी हैं कि आपसे कोई मशवरा चाहने के लिए, लेकिन आपने कारनामा इतना बड़ा सर अंजाम दिया है कि मैं वाकई चाह रही हूँ कि आप हमारे बच्चों को कुछ बताएं कि वो अपना टाइम जो बहुत सारा फजूल चीज़ों के अंदर वेस्ट कर रहे होते हैं उसको यूटिलाइज कर पाएं अच्छे तरीके से, जिस तरह से आपने किया नतालिया. आप फोकस लगाएंगे और टाइम एफर्ट लगाएंगे, आप कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग इज़ पॉसिबल. अच्छा नतालिया, मुझे मेरे पास ना एक सवाल है. आप फ्रेंड्स देखती हैं तो, और मैं और आसमा जो है ना, हमारी जो मेमोरीज हैं वो जोई की तरह हैं, हम जहनी तौर पे जोई हैं और मिजाज के तौर पे हम ना चैंडलर हैं, हम चैंडलर हैं. तो हम चाहते हैं कि आप हमें कोई टिप दें, क्योंकि आपने पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया और आसमा से मेरा नाम तक याद नहीं होता, तो आप हमें कोई टिप दें जिससे हम अपनी मेमोरी जो है ना वो अच्छी कर सकें. तो मेमोरी तेज़ करने की क्या टिप है, क्या खाती हैं, क्या प्रैक्टिस करती हैं, कौन सी एक्सरसाइज है? मेरे लिए मेमरीज, मैं स्टोरी बनाती हूँ पीरियोडिक टेबल सीखने के लिए. कोई छोटी छोटी स्टोरीज लिखी होती हैं लाइंस में, जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लगे हुए हैं उस तरह के स्टोरीज बनाए हुए हैं, वरना जो भी आपके लिए काम करता है वो करें. बहुत शुक्रिया नतालिया, नजम, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. इतनी नन्ही मुन्नी सी, इतनी क्यूट सी बच्ची ने इतना बड़ा सा काम किया, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे यकीन करें हमने सीखा भी बहुत ज़्यादा है. बहरहाल बहुत शुक्रिया नतालिया, आप हमारे साथ मौजूद थीं, और हैट्स ऑफ टू योर मम्मी. हमारी जैसी माएँ तो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं बच्चों से कि स्कूल क्यों बंद हो गए, क्या करें, तो उन्होंने इतना अच्छा एक आइडिया सोचा, 40-day चैलेंज आपको दिया और आपने वो पूरा भी करके दिखाया, तो हम बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं जी नतालिया पे.